क्या इस चीज़ को हम फाइलों के से दूर, जैसा आपने अभी बताया, बच्चों को सच में सिखाने की ज़रूरत है, और सरकार से और ऐसी संस्थाएं जोन फॉर सॉल्यूशन टाइप की संस्थाओं से आप क्या उम्मीद रखते हैं, आने वाले फ्यूचर में हम कितना और बेहतरीन काम कर पाएंगे? देखिए, एक नॉर्मली होता है कि जब फायर सर्विस की बात आती है, फायर सेफ्टी की, कहीं इंसिडेंट हो गया तो सब लोग सोचते हैं कि चलिए आपके पास NOC है कि नहीं है। तो बात यहाँ तक सीमित ना रखी जाए। NOC होना एक अपने आप में कानूनी ज़रूरत है। उससे क्या है कि आप जो चीज़ें होनी चाहिए वो आपके यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सब बेकार है। इसलिए कोई भी किसी भी संस्थान में, किसी स्कूल में भी, घरों में भी, और बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, कोई भी होता है, तो ये जो चीज़ें लगी हैं उनके बारे में जानकारी रखना और उनके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग होना, और एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन जो एक ड्रिल होनी चाहिए उसके बारे में, वो तभी होगा जब आपके पास प्रॉपर प्लान अवेलेबल है। प्लान अवेलेबल हो, हर एक बारे जो लोग उससे संबंधित हैं उनको उसकी जानकारी दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो ये चीज़ आराम से हम कर सकते हैं, जिसमें कि इसके दौरान, ताकि वो थोड़ा फास्ट हो जाए और सुरक्षित रहें। ऐसा ना हो कि हम ड्रिल कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात हो जाए कि ड्रिल करते हुए भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो सारी सुरक्षा जानकारी होते हुए अगर हम कोई काम करते हैं तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरक्षा ही बचाव है, और आजकल ये आपका मैसेज काफ़ी पॉपुलर हो रहा है सभी स्कूलों के बीच में, और जोन फॉर सॉल्यूशन को काफ़ी सराहा जा रहा है, काफ़ी मदद मिल रही है। मगर मैं जानना चाहूँगा कि क्या जैसे बड़े स्कूल तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, क्या छोटे स्कूल जहाँ पे 200-250 बच्चे हैं, क्या वो भी ऐसा एक आपदा प्रबंधन प्लान बनवा सकते हैं, और क्या ज़रूरत पड़ सकती है उनको, क्या मदद कर सकते हैं? ये बहुत महंगा एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत सस्ता एक्टिविटी है, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है, लाखों का काम नहीं है कि कोई बड़ा स्कूल ही इसको बाय कर सकता है। ये बहुत सस्ता एक्टिविटी है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फेसिस कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे स्कूलों को चिट्ठी लिख रखा है कि जी आप तो बनवाइए। नहीं, ये कोर्ट वाला और सरकारी विभाग वाला तो समझ में आता है, मोटा मोटा एक छोटे स्कूल को ऐसा एक सर्टिफाइड डिजास्टर मैनेजर से ऐसा एक प्लान बनवाने में कितना खर्चा आता होगा, और आप किस तरह से बाकी स्कूलों की मदद कर रहे हैं? देखिए, खर्चा का ये है कि जो छोटे स्कूल है ये बहुत खर्चीला चीज है। कई बार तो जो छोटे स्कूल है उनका प्लान कोई 15-20 हज़ार में भी बन जाता है, ये बहुत महंगा खर्चा नहीं है। चलिए, जान का सौदा, खैर इतने लोगों की जान बच रही हो तो 15-20 हज़ार तो स्कूल आजकल वैसे ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में खर्च कर देते हैं। तो सर, आपका क्या संदेश रहेगा बाकी स्कूलों के लिए, कैसे आगे बढ़ चढ़ कर इस मुहिम का इसमें हिस्सा लें, और ऐसे आपदा प्रबंधन वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाएं? देखिए, अगर एक चीज़ जो कानूनी हिसाब से भी करनी है हमें, तो बाद में करें उससे अच्छा है कि जब भी आप जल्दी से जल्दी उसको बनवा लें और उसको प्रैक्टिस में डालें, और सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं, उसको रियलिटी में ट्रेनिंग वगैरह कराना और अवेयरनेस क्रिएट करना, ये ज़रूरी समझते हुए, अपने आप सब लोगों की सुरक्षा की बात भी है, और स्कूल का अगर उसमें अपना रेपुटेशन की भी बात है, कोई ऐसी घटना हो उससे पहले सब लोगों को जानकारी रहे, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होगी, और सबको इस बारे में प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोग इसी तरह इस कार्य में जुटे रहें, और आगे स्कूलों से अपील है कि आप सभी आएँ और आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, और हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और आप सबको ये मैसेज आगे प्रोपोगेट करना है, और जहां मौका मिले आप लोगों को जागरूक रहें और जागरूक करें, यही संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। थैंक यू।